मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, अभी कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश का एग लिया है और उसका मैं कबाब बनाने वाली हूँ। तो फ़िश का एग जो है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और उसके बाद से उसमें कटे हुए छोटे छोटे कटे हुए जो होते हैं ना, बारीक कटे हुए प्याज मैंने डाले हैं। आधा प्याज डाला है, दो हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें, और इसमें एक चम्मच जो होता है ना बेसन डाल दिया है मैंने। और उसके बाद से हल्दी और नमक, चुटकी भर हल्दी डालना है और नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। और अब हम इसका बनाएंगे कबाब, स्पून की हेल्प से ही इसको डालेंगे इसमें। तो बस देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है यहाँ पर, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है। ऑयल भी कम ही आपको दिख रहा है, कम ही हमें ऑयल डालना है इसमें। और बस यहाँ पर देख लेके ना एक एक स्पून हमें रख देना है, और स्पून की हेल्प से यहाँ पे रखते ही ये थोड़ा सा फैलने लगेगा, लेकिन मोटा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा ऊपर से स्पून हम कर देंगे ना तो ये बारीक हो जाएगा। और जैसे ही डालेंगे ना, साइड साइड में आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा पकड़ने सा लगा है। जब ये पकड़ने लगे, ऐसा होने लगे ना बूंदी बूंदी सा, तभी हम समझेंगे कि एक साइड हुआ है। अदरवाइज़ वैसे नहीं होगा ना, तो इसका मतलब कि हम पलटेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो बस यहाँ पर वैसा होने के बाद मैंने एक एक करके सबको पलट दिया है। और अच्छी बात इसमें यह है ना कि जो फ़िश का एग होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, हेल्दी होता है हमारे लिए, और कम ऑयल में ऐसे बन सकता है ये कबाब जो है ना, फ़िश के एग का कबाब, तो ये कम ऑयल में भी बन सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है और अच्छा भी लगता है। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर बनाते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोग भी इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ट्राई करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी। तो बस यहाँ पे उस साइड में भी, दूसरे साइड में भी हो गया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे इसको पलट दे रही हूँ थोड़ा बहुत, जो जो भी लग रहा है ऐसा कि एक साइड नहीं हुआ है ना, तो उसको मैं पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद ये जैसे ही हमें लगेगा कि हो जाएगा बिल्कुल, इसको ब्राउनिश बिल्कुल नहीं करना है, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ हो गया है, हल्का हल्का रेडिश पे आ गया है, तो बस इसको मैं निकाल ले रही हूँ। तो बस देखिए इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है। सर्व हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, साथ में अनियन डाल सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे भी आप सर्व करना चाहें। और इसी तरीके से ना मैं और भी जो भी बचा हुआ था उसको मैंने डाल दिया है, और इस तरीके से मेरा पूरा फिश का जो है ना कबाब रेडी हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इस टाइम पे टाइम हो रहा है दोपहर का, अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और एक्चुअली दोपहर का खाना वाना बना दिया है मैंने, बट हम लोगों ने अभी खाया नहीं है। और प्रिंसू को तो मैंने थोड़ा बहुत खिला दिया था, ये रहे प्रिंसू। और प्रिंसू को अगर घर में बनाना होता है तो बनाना तो खैर खाते ही खाते हैं प्रिंसू। प्रिंसू चलिए इधर, मम्मा गिर जाएगी। और एक्चुअली हमारा खाना भी लेट ही से होता है, कम से कम तो 3 पौने 3 तो हो ही जाते हैं, अगर 3 नहीं बज रहे हैं तो 3:45 हो जाते हैं, क्योंकि परी का जो स्कूल है वो काफ़ी लेट हो गया है। और इन छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है ना, वो इतना लेट तक हो गया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मतलब इरिटेशन भी होती है। लेकिन अब जाके थोड़ा सा सेट हो गई है परी, क्योंकि जब स्कूल में टाइमिंग जो पहले था ना 12:30 का था डिस्पर्सल का टाइमिंग, लेकिन अब जाके 2:30 हो गया है। कहाँ 12:30 कहाँ 2:30, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ जा रहा है। तो लास्ट क्लास तक तो ऐसा ही था, इस क्लास में भी जाने के बाद ना, ग्रेड 2 में जाने के बाद भी अभी तक मतलब स्टार्टिंग में वैसा ही था, लेकिन 2 महीने से टाइमिंग चेंज हुआ है। तो पहले उन्होंने 1:00 तक किया, और 1:00 तक करने के बाद कुछ दिनों तक ही चला बस, और उसके बाद से डायरेक्ट 2:30 कर दिया। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, मेरे लिए भी मुश्किल हुई और परी के लिए भी थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती होगी, लेकिन वो नहीं बोलती थी क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और स्कूल में उन्हें अच्छा भी लगता है, तो उसको थोड़ा सा मतलब उतना फील तो नहीं हुआ। लेकिन मुझे होता था कि हाँ 2:30 तक रहना, सुबह कहाँ 8 बजे मतलब घर वहाँ पहुँच जाती है परी 8 बजे स्कूल में, तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले जब भी हो पाता है तो उस समय निकल जाती है। तो इस तरीके से है। और प्रिंसू भी जी भी स्कूल जाएंगे ना प्रिंसू स्कूल नहीं जाएंगे? ठीक है, मत जाइएगा आप स्कूल, मत जाइएगा, सिर्फ दीदी को लेके आइएगा, ठीक है, है ना? हम लोग दीदी लाने जाएंगे। तो एक्चुअली अभी राइट 2 मतलब बज चुके हैं, तो बस अभी आधे घंटे बाद, वैसे मैं 10 मिनट्स पहले जाती हूँ, 12:30 के 10 मिनट्स पहले जाती हूँ, क्योंकि बाबू वहाँ पर खेलता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये खेल भी लेता है। और जब शुरू में परी का हुआ था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी, परी को हो ना हो मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि बापू के सोने का जो टाइमिंग था ना,
वो मैंने उस टाइम पे कर दिया था। पहले तो ये 12 बजे सो जाता था, तो किसी तरह से मैंने करके ना इसका टाइमिंग 1 बजे 1:30 बजे तक किया था कि हाँ 1:30 बजे सो जाएगा। और जब उस समय आदत लग गई सोने की, उसके बाद से उसका जो टाइमिंग है चेंज होके हो गया 2:30। अब 2:30 होने के बाद तो मतलब मैं सुला ही नहीं सकती हूँ, 11 बजे तो सोएगा नहीं। पहले सो जाता था जब काफी छोटा था ना, पहले के ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा बताती थी कि बापू 11 बजे सो जाता है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद अब बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या है कि कभी कभी जो होता है ना 12 बजे सोता है, नहीं भी सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार अगर मन करेगा तो शाम को सोएगा और नहीं मन करेगा तो नहीं सोएगा। तो इसका जब भी अगर इसको नींद आनी होगी तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ये टीवी देखते देखते ही सो जाता है और मैं छोड़ भी देती हूँ कि अब इसको जब भी मन करे जैसे भी मन करे सोता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को भी सोता है, अगर 7 बजे भी सोएगा तो 8 बजे उठ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सो गया 7 बजे तो अब एक ही बार पूरे रात सोएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिंचू का, है ना। प्रिंचू बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे हैं, प्रिंचू बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे हैं, सिर्फ स्पाइडरमैन देखते हैं। स्पाइडरमैन कैसे करता है थोड़ा दिखाना, कैसे करता है, कैसे करता है, थोड़ा सा बोलिए तो, स्पाइडरमैन बोलिए तो, स्पाइडरमैन 1 2 3 स्पाइडरमैन। मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी स्पाइडरमैन की एक्टिंग करेगा तो, मतलब ये हद हो गई है इसकी। बीच में जो भी कार्टून्स देखता था, पेपा पिग तो हद से ज्यादा देखता था, वो भी बंद हो गया है, सिर्फ स्पाइडरमैन चल रहा है आजकल। किसी के टी शर्ट पे हो, कहीं भी लिखा हो, कहीं भी थोड़ी सी छोटी सी छोटा सा फोटो बना हो, बस स्पाइडरमैन। तो चलिए हम लोग दीदी लाने चलेंगे, ठीक है। बाबू को भूख लगी है, भूख लगी है बाबू को, अभी बनाना खाया, अभी बनाना खाया बाबू, ठीक है। तो अभी नहीं खाएगा बाबू, हम लोग दीदी लाएंगे तब खाएगा खाना, ठीक है। चलिए तो बस थोड़ी देर रुकूंगी, और थोड़ी देर रुक के ना मैं जाऊंगी परी को लाने के लिए। उसको लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम निकल जाता है, उसको चेंज करना, खाना देना, उसके बाद से होमवर्क जो भी होता है वो करती है, तो उसको भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। चलिए ठीक है, बाय कर दीजिए, टेक केयर, बाद में मिलते हैं हम लोग, बाद में मिलते हैं। तो अभी दीदी को टाइम हो गया ना, जल्दी से जाइए। ये भी तो बाबू है ना, ये भी अन्ना है ना, आपके साथ खेलने को आ रहा है ना, लो। अरे बाबू, दोनों फ्रेंड्स, अच्छा ठीक है, दोनों फ्रेंड्स शेक हैंड करो, तो शेक हैंड करो जल्दी से, रू शेक हैंड, नहीं जा, ये जा, डू यू नो हिंदी, नो, विच लैंग्वेज यू नो, कन्नडा, तमिल, ओके, यू नो तमिल, ओके, यू डोंट नो हिंदी। ये देखो आपकी एक और फ्रेंड आ गई, एक और फ्रेंड आ गई आपकी, चले 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 चले, दीदी लाने का टाइम हो गया, अभी खेल तो जल्दी जाइए, खेल के आइए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, चलो जल्दी से चलेंगे आप। हावर है, हाँ चलिए चलिए ठीक है, दीदी लाने चलेंगे, चलिए। तो गाइज एक्चुअली ना मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, जो कि बिन बुलाए मेहमान जो कह सकते हैं ना, उस तरीके से हैं, अनचाहे मेहमान जो कहते हैं ना, उस टाइप से हैं। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत सारे उपाय सोचा है मैंने, उसके बाद से लास्ट ऑप्शन मैंने ढूंढ निकाला है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने क्या मंगवाया हुआ है आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को, मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान जो है वो कॉकरोच आ गए हैं, इतने सारे कॉकरोचेज हो गए हैं ना हर जगह जगह पे कि मैं क्या कहूँ। वैसे तो दिखते नहीं हैं दिन में, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही मतलब अगर रात होती है ना, सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद से मुझे देखने स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद से धीरे धीरे। तो फिर कॉकरोच के लिए मैंने एक उपाय किया है, तो मैंने मंगवाया है ये अमेजोन से, और इसका नाम है कॉकरोच रिपीलेंट। तो इसका मतलब मेन काम है कॉकरोच को भगाना। तो बस मुझे कुछ रिसीव हुआ है इस तरीके से, फोम का है, ये फोम का पैकेट है, ये पूरा अच्छे से पैकेजिंग अच्छी थी इसकी, और ये अलग अलग है इसमें, तो स्प्रे करने वाला है ये ना, एक बार यूज़ किया है मैंने, और मतलब काफ़ी पहले यूज़ किया था, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसके बाद से कहीं भी कॉकरोचेस दिखेंगे नहीं घर में, ऐसे होता है। तो फिर इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया है।
और मंगवाने के बाद देखती हूँ आज ही रात को मतलब शाम को इस टाइम पे, मैं ऐसे टाइम पे मानना चाहती हूँ ना इसको, स्टे करना चाहती हूँ कि उस टाइम पे ना हम लोग जैसे घर से बाहर चले जाएं कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ी देर के लिए घर बंद रहेगा ना, क्योंकि स्मेल भी आती है इसमें से, आप लोगों को पता है कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो इफेक्टिव होती हैं तो स्मेल आना लाजमी सी बात है। तो बस इसको मैंने कर दिया है ओपन और आप ये देख सकते हैं कि ये कॉकरोच रिपेलेंट है और ये सेफ़ है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनाया गया है, इफेक्टिव भी है। तो इफेक्टिव तो खैर मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने एक बार इसको यूज़ किया है। इसकी MRP है 330 रुपये, लेकिन और इसकी क्वांटिटी जो है ना 500 ml है, MRP जो है 330 है, लेकिन ये आधे प्राइस पे 50% डिस्काउंट में मुझे मिला है इस टाइम पे, तो बस इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया है। और देखती हूँ आज मतलब इसको डाल करके देखती हूँ, और इसका जो ये कैप है ना अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, लेकिन इस कैप को खोल के और तब इसको, इस कैप को हम लोग फेंक देंगे और ये वाला जो है ना पूरा इसको हम लोग इसमें होल्ड कर देंगे अच्छे से, ये बिल्कुल कैप इसके जैसा है तो ये इसमें फिट हो जाएगा, आराम से फिट हो जाएगा, फिर हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि हेयर वगैरह पे या फिर कहीं भी जो फिनाइल या फिर जो भी चीज़ें आती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, तो उस तरीके से आराम से स्प्रे हो जाएगा हर जगह पे। तो बस इसको मुझे आज ही यूज़ करना है, आज ही इसको मतलब मेरे घर में मैंने बताया ना कॉकरोच हो गए हैं, बस भाग जाए अच्छे से, क्योंकि पता है अगर कॉकरोच वगैरह होते हैं तो डर लगता है कि कहीं खाने में ना पड़ जाए, या फिर घर में बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ में ना पड़ जाए, कोई चीज़ खुला ना छूट जाए इस वजह से। तो गाइज़ अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है ये। तो चलिए मैं इसको डाल के स्प्रे करके देखती हूँ, जो भी ये अनचाहे मेहमान हैं वो भाग जाते हैं कि नहीं। तो बस गाइज इस टाइम पे हो चुकी है शाम और अभी बजने वाले हैं 5 लगभग बजने वाले हैं, हाँ। तो बस चलिए थोड़ा सा और कुछ काम वाम है तो वो सब कर लेती हूँ और उसके बाद से हम लोग बाहर निकलेंगे शाम को ना, तो ये आएंगे उसके बाद से हम लोग कुछ जो भी नाश्ता करना हो करेंगे और उसके बाद से हम लोग बाहर निकलेंगे, तो उस टाइम पे इसको मैं डाल के निकलूँगी, तो ऐसा मैंने सोच रखा है। तो अभी चल रही हूँ किचन में कुछ प्रिपेयर करूँगी। सरप्राइज, ये देखो देखो प्रिंस को क्या पहना है, स्कर्ट पहना है, नीचे जींस पहना है। दीदी खोल दी, ओहो मेरा बेटा का खोल दी, ओ मेरा बेटा लड़की बनाया प्रिंस को। आ मेरा जूता, ये ना परी का स्कर्ट है, देखो कितना अच्छा यूज कर रहा है मेरा बेटा। परी का जूती है, परी का ये सूज है, जूती है, सॉरी। प्रिंसू कितने शौक से पहन रहा है ना, हाँ 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 परी दीदी का है ये, परी दीदी का है ना, छोटा हो गया तो प्रिंसू ले लिया है। बाबू का, बाबू का, हाँ बाबू का है, हाँ बाबू का है, बाबू का है। फिर जगह हैं बस क्यों, देखिए माउथ लगा रहा है, माउथ में हैंड लगा रहा है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो और ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।